चलिए आज देखते हैं लोगो सेंटर निकाले। बहुत आदमी का ये सवाल रहता है कि लोगो सेंटर निकालना है, कैसे निकाले, कौन सा फार्मूला यूज करे। तो आज देखते हैं जितने तरीके से लोगो सेंटर निकल सकता है आज उतने तरीके से निकालेंगे लोगो सेंटर, प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों तरीके से। फार्मूला भी रहेगा और बिना फार्मूला का भी निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए एक फार्मूला देखते हैं, पहले फार्मूला से कैसे निकाला जाता है। तो ये एल्बो एल्बो सेंटर, ये पहला फार्मूला है। 10 डिग्री बटे 2 गुने 3 बटे 2 गुने 25.4 गुने इंच, ये पहला फार्मूला है एल्बो सेंटर निकालने का। तो 10 डिग्री मतलब हम लोग पहले एग्जांपल लेते हैं 90 डिग्री का निकालने का। 10 90 बटे 2, 90 डिग्री है ये, गुने 3 बटे 2 गुने 25.4 गुने कितना इंची का, चलिए 3 इंची का निकालते हैं। 3 इंची का, 3 इंची का एल्बो सेंटर निकालने का पहले फार्मूला निकालते हैं। ये 10 90 डिग्री में ये लिखा जाएगा 10, आइए 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। इसको कटिंग कर दो, 45 में 2 से भाग करेंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। गुने 3 बटे 2 गुने 25.4 गुने 3 इंच, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। 1 में ये 3 बटे 2 गुने 25.4 गुने 3 इंची। अब इसको बढ़िया से कैलकुलेट करेंगे उसके बाद 3 इंची का एल्बो सेंटर निकल जाएगा। जैसे कि ये तो ऊपर आ जाएगा, इसको इसमें इससे गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये बटे में 2 है तो ये सब के नीचे 2 आ जाएगा। तो जैसे यहाँ देखते हैं 25.4, इसमें 3 से गुना करेंगे पहले, 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1, 5 तिहाई 15, 15 के 16, 6 हाथ में 1, 2 तिहाई 6 1 7, 76.2 आ गया। फिर इसमें गुना करेंगे ये 3 से, ये वाला ऊपर से है ना, इसलिए इससे गुना करेंगे, 3 दुना 6, 36 18 के 8 हाथ में 1, 7 तिहाई 21 22 के 2 हाथ में कुछ नहीं, 22 के 2 हुआ, ये हो गया 228.6 आ गया। और एक से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो जैसे यहाँ लिख दिए 228.6 और उसके नीचे में ये वाला 2 है ना, ये 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दिए 2 से, तो 2 तिहाई 6 ये पॉइंट आ जाएगा, 2 चौके 8 कट जाएगा, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 इकाई 1, 2 इकाई 1, 114.3 आया। तो पॉइंट के बाद जब ये 3, जब ये 5 से कम होता है ना तो 114 ही मानेंगे। अब पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा होगा, जैसे पॉइंट 6 हो जाएगा तो उसको 115 मान लेंगे। तो ये इसका ये तरीका हो गया, एक तरीका एल्बो सेंटर निकालने का, सिंपल तरीका। इसमें किसी भी डिग्री का एल्बो निकाल सकते हैं, जैसे ये हम 90 डिग्री का एल्बो निकाले हैं, इसके जगह अगर 45 डिग्री का निकालना होगा तो यहाँ 45 डालेंगे, फिर यहाँ 22.5 डिग्री हो जाएगा ना, तो 22.5 डिग्री का वैल्यू जितना आएगा ना, 10.5 डिग्री का वैल्यू उतना यहाँ डाल देंगे। और उसके बाद एक कैलकुलेटर भी डालेंगे तो उसका डिग्री का फार्मूला यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो गया आंसर 3 इंच का। और दूसरा तरीका है, पहले देखिए एल्बो 3 प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ एल्बो, कितने प्रकार का, कितने तरह का एल्बो होता है, 3 तरीके का होता है। पहला में लॉन्ग रेडियस, दूसरा में स्टैंडर्ड रेडियस, तीसरा में शॉर्ट रेडियस। ये 3 प्रकार का एल्बो होता है। तो
एक और फार्मूला है जिसे, तो चलिए एक फार्मूला देखते हैं पहले फार्मूला से कैसे निकाला जाता है। तो ये लिखे एल्बो एल्बो सेंटर, ये पहला फार्मूला है। 10 डिग्री बटे दू गुने 3 बटे दू गुने 25.4 गुने इंच, ये पहला फार्मूला है एल्बो सेंटर निकालने का। तो 10 डिग्री मतलब हम लोग पहले एग्जांपल लेते हैं 90 डिग्री का निकालने का। 10 90 बटे दू, 90 डिग्री है ये, गुने 3 बटे दू गुने 25.4 गुने कितना इंची का, चलिए 3 इंची का निकालते हैं। 3 इंची का, 3 इंची का एल्बो सेंटर निकालने का पहले फार्मूला निकालते हैं। ये 10 90 डिग्री में ये लिखा जाएगा 10, आइए 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। इसको कटिंग कर दो, 45 में 2 से भाग करेंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। गुने 3 बटे 2 गुने 25.4 गुने 3 इंच, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। 1 में ये 3 बटे 2 गुने 25.4 गुने 3 इंची। अब इसको बढ़िया से कैलकुलेट करेंगे उसके बाद 3 इंची का एल्बो सेंटर निकल जाएगा। जैसे कि ये तो ऊपर आ जाएगा, इसको इसमें इससे गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये बटे में 2 है तो ये सब के नीचे 2 आ जाएगा। तो जैसे यहाँ देखते हैं 25.4, इसमें 3 से गुना करेंगे पहले, 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1, 5 तिहाई 15, 15 के 16, 6 हाथ में 1, 2 तिहाई 6 1 7, 76.2 आ गया। फिर इसमें गुना करेंगे ये 3 से, ये वाला ऊपर से है ना इसलिए इससे गुना करेंगे, 3 दुना 6, 36 18 के 8 हाथ में 1, 7 तिहाई 21 22 के 2 हाथ में कुछ नहीं, 22 के 2 हुआ, ये हो गया 228.6 आ गया। और एक से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो जैसे यहाँ लिख दिए 228.6 और उसके नीचे में ये वाला 2 है ना, ये 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दिए 2 से, तो 2 तिहाई 6 ये पॉइंट आ जाएगा, 2 चौके 8 कट जाएगा, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 इकाई 1, 2 इकाई 1, 114.3 आया। तो पॉइंट के बाद जब ये 3 जब ये 5 से कम होता है ना तो 114 ही मानेंगे। अब पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा होगा, जैसे 5.6 हो जाएगा तो उसको 115 मान लेंगे। तो ये इसका ये तरीका हो गया, एक तरीका एल्बो सेंटर निकालने का, सिंपल तरीका। इसमें किसी भी डिग्री का एल्बो निकाल सकते हैं, जैसे ये हम 90 डिग्री का एल्बो निकाले हैं, इसके जगह अगर 45 डिग्री का निकालना होगा तो यहाँ 45 डालेंगे, फिर यहाँ 22.5 डिग्री हो जाएगा ना, तो 22.5 डिग्री का वैल्यू जितना आएगा ना, 10 22.5 डिग्री का वैल्यू उतना यहाँ डाल देंगे। और उसके बाद एक कैलकुलेटर भी डालेंगे तो उसका डिग्री का फार्मूला यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो गया आंसर 3 इंच का। और दूसरा तरीका है, पहले देखिए एल्बो 3 प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ एल्बो, कितने प्रकार का, कितने तरह का एल्बो होता है, 3 तरीके का होता है। पहला में लॉन्ग रेडियस, दूसरा में स्टैंडर्ड रेडियस, तीसरा में शॉर्ट रेडियस। ये 3 प्रकार का एल्बो होता है। तो एक और फार्मूला है जिसे निकाल सकते हैं, जैसे 3 इंची का एल्बो है और इसका फार्मूला हमको एल्बो सेंटर निकालना है। जैसे लॉन्ग रेडियस का है ना, तो 3 इंची का एल्बो सेंटर निकालेंगे, लॉन्ग रेडियस है
इसका पहले ओडी देखेंगे, 3 इंची का ओडी 89 mm आता है, 89 पॉइंट कुछ आता है, 90 mm के मान के चलिए 89 पॉइंट कुछ आता है। तो ये लॉन्ग है तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना, 9 × 2 = 18 हाथ में 1 × 8 = 16, 16 × 1 = 17, 178 पॉइंट कुछ आएगा, 178 79 mm आएगा, ये 89 पॉइंट कुछ है तो पॉइंट वाला गुना करेंगे ना जब कैलकुलेटर पर तो इतना आ जाएगा। ये हो गया लॉन्ग रेडियस वाला, लॉन्ग रेडियस। अब निकलते हैं स्टैंडर्ड रेडियस, अब स्टैंडर्ड रेडियस 3 इंची का। ये 2 किस लिए लगाए हैं, जैसे अगर लॉन्ग रेडियस है ना लंबा वाला एल्बो तो उसमें डबल से जितना का पाइप है उसका ओडी में डबल से गुना करेंगे तो लॉन्ग रेडियस का एल्बो सेंटर निकलेगा। और उसके बाद जब स्टैंडर्ड है मतलब बीच वाला एल्बो तो उसको 89 × 1.5 इससे अगर गुना करेंगे ना तो इसका एल्बो सेंटर निकलेगा। देखिए यहाँ गुना करके बताते हैं, 89 × 1.5, 9 × 5 = 45, 5 हाथ में 4, 8 × 5 = 4, 44, 9 × 9 = 8, तो ये हो गया 5, तो ये होगा 9 × 4 = 13 हाथ में 1, 8 × 4 = 12, 12 × 1 = 13, ये सही तो है ना रे? सही है, 9 × 5 = 5 हाथ में 4, 8 × 5 = 44, 9 × 9 = 8, 5 × 5 = 5, 9 × 4 = 13 हाथ में 1, 8 × 12 = 13, 133.5 आ रहा। इसका एल्बो सेंटर आना चाहिए 114 mm, इसमें कुछ माइनस नहीं हुआ, डेढ़ गुना करेंगे कर दी रखा। शॉर्ट रेडियस देखते हैं 3 इंची तो निकालते हैं, तो 3 इंची के निकालेंगे तो ये हो जाएगा 89 × 1 = 89 mm, ये mm में आया। दोस्तों देखिए बहुत आदमी का सवाल होता है कि जैसे ड्राइंग से एल्बो सेंटर माइनस करेंगे कैसे करेंगे, उसमें से क्या क्या माइनस करना है, फिर फलान भी माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए एक ड्राइंग आया है आइसोमेट्रिक, तो जैसे यहाँ से लेके देखिए ये एल्बो से लेके और ये एल्बो तक कितना दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 2333 + 314, दोनों को जोड़ेंगे ना 2333 + 314 दोनों को जोड़ने पर 2647 आ रहा है। तो इसमें से जैसे यहाँ एक एल्बो है, यहाँ एक एल्बो है, दो एल्बो हुआ तो एक एल्बो दो एल्बो जोड़ के, दो एल्बो सेंटर जोड़ के इसमें से 2647 में से जब माइनस करेंगे इसमें से तो जो बचेगा ना उसका बीच का पाइप बचेगा, ये जॉइंट से लेके ये जॉइंट तक के एल्बो सेंटर से दिखा। देखिए यहाँ पे ये तीर जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है, मतलब ये एल्बो सेंटर से लेके एल्बो सेंटर तक दिया गया है, इसीलिए इसमें से दो एल्बो सेंटर घटाया जाएगा। तो जैसे 3 इंची का लाइन है, यहाँ देखिए पाइप का सिमलेस है 3 इंची का लाइन है, तो 3 इंची का एक एल्बो सेंटर का मान होता है 114 mm, तो दो एल्बो सेंटर हुआ, दो एल्बो सेंटर का वैल्यू 228 mm होगा जोड़ने पर, तो 2647 में से 228 माइनस करेंगे ना तो 2419 आया। और उसी तरीके से 851 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे देखिए एक एल्बो सेंटर का यहाँ सेंटर से दिया है और दूसरा में यहाँ ज्वाइंट दिया है या कहीं कनेक्ट हो रहा है ना, तो टी नहीं दिया है पूरा, ये ज्वाइंट तक दिया है, तो इसमें से एक एल्बो सेंटर घटेगा, 851 में से माइनस करेंगे एक एल्बो सेंटर 114 mm तो बचा 737 mm। और दूसरा तीसरा जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ एक फ्लांच लगा है, बेल्डोनिक फ्लांच है,
और यहाँ एक एल्बो सेंटर है, तो एक फलांच और एक एल्बो सेंटर घटाना है, तो एक फलांच ये कितना है 384। एक फलांच का, एक फलांच जो है ना उसका साइज होता है 70 mm, और 70-72 mm हुआ, और एक एल्बो सेंटर 14 mm, तो जैसे 114 + 70 जोड़ेंगे तो 4 × 7 = 8 = 184। तो इसमें से 384 में से जैसे यहाँ फलांच है एल्बो घटाना है, तो इसमें से एक फलांच एक एल्बो घटा, तो 384 यहाँ से यहाँ तक है, तो घटाएं 384 में से, यहाँ देखिए 384 में से घटाएं तो 184 घटाना पड़ेगा, तो 200 mm बचा। इसमें 200 mm का पीस लगेगा, पाइप लगेगा 200 mm का काट के, उसी में व्यू मार के उसके बाद फलांच फिटिंग करेंगे। उसी तरीके से है 220 mm, इसमें से खाली एक फलांच घटेगा, इसमें नीचे कुछ नहीं है, नीचे कनेक्ट हो रहा है कहीं पर, तो वहाँ देखा जाएगा क्या है नहीं है, तो इसीलिए इसको पेंडिंग में छोड़ रहे हैं कि यहाँ पे कितना पीस प्लस माइनस होगा। और उसके बाद यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी उसी तरीके से। तो आपको ये समझ में आ गया कि एल्बो सेंटर और फलांच कैसे घटाया जाता है। फिर दूसरा देखिए, यही पाइप जो है ना, यही पाइप बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे अभी आप ये ड्राइंग देख लिए, तो ये फलांच से लेके, ये फलांच से लेके ये यहाँ तक आया, यहाँ तक जो है ना, यहाँ पे यहाँ तक बना हुआ है, तो ये लाइन है, यही लाइन बनाए हैं अभी। देखिए ये फलांच है, और फलांच से लेके यहाँ तक यही लाइन बना हुआ है, ये 851 वाला पीस है, और ये हो गया 2419 वाला पाइप है, कितना है 2419 वाला पाइप है, और ये वाला हो गया 200 mm वाला पाइप। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से फिटिंग होता है, और ये अपना एल्बो हो गया, जो माइनस हम लोग किए हैं वो वाला एल्बो है, उसके बाद ये फैब्रिकेशन हो गया, और उसमें बिल्डर बिल्डिंग वाले का अपना काम करें।